भाजपा नेता राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की सराहना। इस मामले पर अपनी ही पार्टी के रुख का किया विरोध। सरकार ने कहा, नियमों के मुताबिक हुई है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति। कोंटी चड्ढा गोलीबारी मामले में अदालत ने सुखदेव नामधारी को भेजा 5 दिन की पुलिस हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने अदालत में नामधारी को बताया मामले का मुख्य साजिशकर्ता। नामधारी ने ही चलाई थी कोंटी के भाई हरदीप चड्ढा पर गोली। समाजसेवी अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा, उनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी और जनता से जुड़े मुद्दों को पार्टी के संविधान में किया जाएगा शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की हालत अभी भी बनी हुई नाजुक। स्वास्थ्य में गिरावट के आने के बाद उन्हें रखा गया है वेंटिलेटर पर। फेफड़े में संक्रमण के बाद 4 दिन पहले उन्हें कराया गया था मेडिसिटी मेदांता अस्पताल में दाखिल। मिस्र में न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ हड़ताल का किया आह्वान। न्यायाधीशों ने मुर्सी के खुद को और अधिक शक्ति देने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए इसे स्वतंत्र न्यायपालिका पर बताया हमला। बांग्लादेश में फैक्ट्री में लगी आग से 100 से अधिक लोगों की मौत। शव को निकालने का काम अभी भी जारी। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। पाकिस्तान में शिया समुदाय के जुलूस में बम विस्फोट में 4 बच्चों सहित कम से कम 7 लोगों की मौत और 30 अन्य घायल। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम। मुंबई टेस्ट के 3रे दिन इंग्लैंड ने कुक और केविन पीटरसन के शतक के बदौलत मैच में की वापसी। भारत ने महज औपचारिकता के मैच में कल पाकिस्तान को 5-2 से हरा कर लैंको इंटरनेशनल सुपर सीरीज हॉकी टूर्नामेंट में दर्ज की पहली जीत। भारतीय महिला मुक्केबाजी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी एमसी मैरीकॉम अब प्रशिक्षण के क्षेत्र में आजमाएंगी हाथ। उन्होंने की एक मुक्केबाजी अकादमी की शुरुआत। आज है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने और जागरूकता फैलाने के मकसद से 25 नवंबर को मनाया जाता है ये दिवस।